के साथ ऐसा होना, और जबकि इसकी इनपुट पहले थी। सुरक्षा के लिए हमने एसपी को भी, प्रमुख सचिव को भी, सबको हमने गुहार लगाई अध्यक्ष जी के साथ, फिर भी सुरक्षा, अब किन कारणों से सुरक्षा नहीं मिली वो भी एक विषय है। इनपुट तो इसके अलावा भी और भी है, मेरा प्रतिनिधि है राजीव दांगी, उसको भी मानने का इनपुट था, वहाँ भी गाड़ी आई थी। बीजेपी नेता संजय खोकर की हत्या पर बवाल बढ़ता जा रहा है। अब खुद बीजेपी विधायक योगेश धामा ने आरोप लगाया है कि संजय खोकर ने पुलिस सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रमुख सचिव और एसपी से गुहार लगाई गई थी। हत्या की आशंका के बाद भी पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी। विधायक योगेश धामा ने अपने प्रतिनिधि की भी जान का खतरा जताया है। उनका कहना है कि कुछ अधिकारी भी अपराधियों के साथ मिले हुए हैं। उसके साथ ऐसा होना, और जबकि इसकी इनपुट पहले थी। सुरक्षा के लिए हमने एसपी को भी, प्रमुख सचिव को भी, सबको हमने गुहार लगाई अध्यक्ष जी के साथ, फिर भी सुरक्षा, अब किन कारणों से सुरक्षा नहीं मिली वो भी एक विषय है, और किन लोगों ने सुरक्षा नहीं देने दी, दो तीन बिंदु इसमें ऐसे हैं। क्या लग रहा है कोई है ऐसा कि इनपुट पहले था जी इस तरह? बिल्कुल इनपुट था, और सबको हमने बताया था कि इनपुट है, और इनपुट तो और भी हैं, इनपुट तो इसके अलावा भी और भी है। मेरा प्रतिनिधि है राजीव दांगी, उसको भी मानने का इनपुट था, वहाँ भी गाड़ी आई थी। कहाँ पे? जिला पंचायत में भी हमने एसपी को बताया था कि वो गाड़ी गायब होगी, जिले में मिली नहीं, तो ये इनपुट सारे हैं। बप्पू चेयरमैन को मारने का इनपुट था, किसका? अब उन्होंने ये लोग हाथ नहीं लगे या ये आगे पीछे हो गए, तो उन्होंने वहाँ जाके वो काम कर दिया। लेकिन इसकी जांच हम करवाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री से हम अपील करेंगे कि इसमें जांच होनी चाहिए। इसमें कुछ जो इन गैंग के और जो इन अपराधियों के साथ है, कुछ शीर्ष अधिकारी भी हैं जो इसमें शामिल हैं, वो हमें पता, हम आपको नहीं बता सकते। इसके अलावा भाजपा सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि स्थानीय पुलिस की नाकामी से जिले में घटनाएं हो रही है। अवैध हथियार रखने वाले, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो या किसी के रिश्तेदार हो, उनके खिलाफ बिना किसी दबाव के सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, आप लोगों ने लिखा भी था, मैंने पहले पिछले लगभग दो वर्षों से मैं ये कह रहा हूँ कि क्षेत्र में अवैध हथियार की भरमार है। शायद ही कोई गांव होगा जहाँ 20-30 घरों में अवैध हथियार न, वो लोग तो ज़्यादा बोलते हैं। मैंने अभी 8 जुलाई को अपील की थी, आप लोगों ने छापा ही अखबार के अंदर, कि एक मुहिम, एक अभियान चलाना चाहिए कि अवैध हथियार वाले कौन हैं। गुंडा आदमी, बदमाश आदमी किसी भी पार्टी का हो, किसी के प्रति किसी के दबाव में नहीं आ करके उस पर कार्रवाई की जाए। अभी मुझे बताया गया, अभी 7-8 दिन पहले बावली के अंदर कुछ अवैध हथियार बनाते हुए लोग मिले, उस केस को रफा दफा कर दिया गया। परसों जो है, इनको चंद्रवीर जी को मालूम है कि किस प्रकार से बड़ौद के अंदर अवैध शराब का चल रहा था, और जब तक वहाँ शराब, गांजा जो है, नशीले पदार्थ, जब तक लोग वहाँ धरने पर नहीं बैठे, जब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल जो है गाय कटी हुई यहाँ पर जो है पकड़े गए, उसके ऊपर अज्ञात के खिलाफ केस रजिस्टर कर देते हैं। जो असली आरोपी हैं, असली अपराधी हैं, उनको छोड़ करके दूसरों को अज्ञात को बना के दूसरों को परेशान करते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी पिछले हफ्ते भी बात कही थी, आज सवेरे भी उन पर मैंने बात कही है कि स्थानीय पुलिस का ये नाकामी है, भ्रष्टाचार है, जो सही जो अपराधी है उनको पकड़ा नहीं जाता है। इन सब के बीच योगी सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए बागपत के एसपी सिटी अनित कुमार को हटा दिया है। आपको बता दें कि बागपत के रहने वाले बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोकर की मंगलवार को मॉर्निंग वॉक के दौरान हत्या कर दी गई थी। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में भी हड़कंप मच गया, और खुद एसपी और एएसपी भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे। फिलहाल उनकी हत्या के कारणों का अभी तक साफ पता नहीं चल पाया है। हालांकि परिजनों से हुई बातचीत के आधार पर पुलिस अधिकारी पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका जता रहे हैं। बागपत से दुष्यंत त्यागी के साथ यूपी तक।